नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और हम आपके लिए लेकर हाजिर है कोरोना लाइव अपडेट। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने इस शो की शुरुआत करी थी और जब मैंने इस शो का आखिरी एपिसोड किया था, मालूम नहीं था कि एक साल बाद जो कोरोना के मामले आएंगे वो होश उड़ाने वाले आएंगे। कोरोना का विस्फोट हो चुका है पूरे देश में और साफ तौर पर हम सभी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो आप सभी को बता दूं कि देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत में पहली बार एक दिन में कोविड के 1,00,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कुल 1,03,558 मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों पे आप यहाँ पे नजर डालिए, पिछले 24 घंटे का डेटा हम आपके सामने यहाँ पे लेकर हाजिर है। तो पिछले 24 घंटे में 478 लोगों की यहाँ पर मौत हुई और जैसे मैं आपको लगातार यहाँ पे बता रही हूँ कि जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि 1,00,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं पिछले 24 घंटे में। और अगर कोई ऐसा राज्य है जहां पे लगातार भयावह होती जा रही है स्थिति, वो है महाराष्ट्र, जहां पे 57,074 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की अगर हम बात यहां पर करें तो अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस भारत में 7,41,830 हैं। अब मैं आपको यहां पर राज्य के अनुसार यहां पर डेटा बताती हूं और साथ ही मैं विश्व स्तर पर क्या स्थिति बनी हुई है। भारत तीसरे स्थान पर आ गया है कोरोना के मामलों में, उस पर भी यहां पर एक नजर डालते हैं। आपको मैं बता दूं, ये सारा डेटा हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जरिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे राज्य का डेटा बताने से पहले मैं आपको बता दूं, कुल एक्टिव केसेस जैसे मैंने आपको पहले बताया 7,41,830 यहाँ पर है। एक्टिव केसेस यानी वो लोग जो अभी कोरोना से संक्रमित हैं, डिस्चार्ज्ड यानी वो लोग जो कि कोरोना से अब ठीक हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,16,82,136 लोग ठीक हो चुके हैं। और मौतों का आंकड़ा आप यहां पे देख सकते हैं, भारत में अब तक जब से महामारी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 1,65,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम राज्य के अनुसार यहां पर बात करें और साफ तौर पर हम यहां पर लगातार बात महाराष्ट्र की करेंगे और महाराष्ट्र में भी मुंबई से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अगर बात वहां पे सेलिब्रिटीज की करें तो लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कल अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव निकले, उसके पहले हमने देखा चाहे संजय लीला भंसाली हो, आलिया भट्ट हो, रणबीर कपूर हो, लगातार बड़े बड़े लोग यहाँ पे कोरोना संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। बात यहाँ पे अगर हम महाराष्ट्र की करें तो बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में लगातार मामले जो सामने आ रहे हैं उसको देख के महाराष्ट्र सरकार ने कई कदम यहाँ पर उठाए हैं, जैसे कि नाइट कर्फ्यू, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दोपहर के समय भी 144 धारा लागू कर दी गई है। इसी के साथ अगर बाकी राज्यों की हम यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति भी यहाँ पर कम भयावह नहीं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके साथ भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे जिलों की सीमाओं को सील करने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर तेजी से फैल रही है। रविवार को यहाँ 3,000 से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। बात अगर वैक्सीनेशन की करें तो टीकाकरण का जो प्रोसेस है वो भी जोरों शोरों पे यहाँ पे चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही मामले भी बढ़ रहे हैं, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी देश भर में चालू है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 7,91,05,163 डोज दी जा चुकी है। ये जो आंकड़े हैं आप यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे भी देख सकते हैं। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, टीकाकरण भी जोरों शोरों पर यहाँ पर चल रहा है। कोरोना वायरस का मौजूदा ट्रेंड जो है आप सभी को मैं बता दूं डराने वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc के एक अनुमान के मुताबिक जिस तरीके से मौजूदा समय में कोरोना मामले सामने आ रहे हैं, अगर ये जारी रहा तो मई महीने के अंत तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.4 करोड़ को पार कर सकती है, जो कि डराने वाली बात है।
तो ये थे आपके लिए आज के आंकड़े। कल कोरोना के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, याद रखें कि कोरोना अभी जिंदा है। और साथ ही में कोरोना वैक्सीन से संबंधित तमाम जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.tv9hindi.com। कोविड वैक्सीनेशन ट्रैकर के जरिए आप पता कर सकते हैं कि अगर आपने पहला टीका लगवा लिया है तो दूसरा टीका कब लगेगा। वैक्सीनेशन को लेकर आपके पास मैसेज आएगा ताकि आप दूसरी डोज की तारीख याद रखें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।